हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDBI के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वैसे तो मार्केट में करेक्शन आपको देखने को मिली थी, जिस वजह से स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन फ्रेंड्स इसकी एक खुद की ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आई है जिसकी वजह से स्टॉक पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वो न्यूज़ क्या है और क्या कुछ अब लेवल इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें स्टॉक की जो हम डिटेल से समझने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट की गिरावट के 4-5 कारण है, वो मैं अपनी हर वीडियो में कवर कर रही हूँ। भाई उन वीडियो में आप देख लेना, मैं बार बार कवर नहीं कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि इसकी क्या नेगेटिव अपडेट आई है। इस सरकारी बैंक को मिला 2.97 करोड़ रुपए का GST डिमांड नोटिस, 4% टूटा शेयर। मतलब यहाँ पे GST की तरफ से पेनल्टी लगी है इन पे 2.97 करोड़ की। और यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ये ब्याज और जुर्माने समेत 2.97 करोड़ रुपए की GST मांग का नोटिस मिला है। मतलब इनको इतने का भुगतान अब करना पड़ेगा, जिसमें भाई ब्याज और जुर्माना दोनों मिला के, इसी की वजह से 4% आज शेयर गिर गया। अब चलते हैं चार्ट पर, समझते हैं क्या कुछ स्पॉट और टारगेट रहने वाले हैं। तो फिलहाल चार्ट पे आ गए हैं, और फ्रेंड्स हो सकता है कि कल भी इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पे जो स्पॉट रहने वाला है वो 82.25 का यहाँ पे एक स्पॉट होने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्पॉट होने वाला है वो होने वाला है 75.45 का। अगर हमें इसका भी ब्रेकडाउन होते नजर आए तो फिर ये जोन बनी हुई है यहाँ पे आके रुकने वाला है, जो कि 68 तक का। और फ्रेंड्स अभी मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और इस स्टॉक में एक डीप आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक की PE काफ़ी ज़्यादा हो रखी है इंडस्ट्री PE से, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, एक डीप अभी आएगा। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अभी वेट कीजिए, अच्छे मोमेंट का और अच्छी सी एक डीप का आप वेट कीजिए, ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिले। अब आगे समझते हैं कि अगर इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली तो इसका जो रिस्टेंस होने वाला है, टारगेट होने वाला है, वो होने वाला फर्स्ट होने वाला 91 का। उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल जाएगा। वैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन से है। इसमें जिधर भी या तो नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ या फिर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, वैसा ही मोमेंट आपको लॉन्ग वाला दिखेगा। मतलब गिरावट का, अच्छा खासी गिरावट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी अगर ये इसका ब्रेकडाउन करता है तो। ठीक है, ये थी फ्रेंड्स मेरी एनालाइज। आपको क्या लगता है स्टॉक में कि भाई पॉजिटिविटी कल देखने को मिलेगी या फिर नेगेटिविटी, कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।